किचन में आपका स्वागत है और मैं फिर आपको आज दिखाने वाला हूँ क्या गाजियाबाद का ब्लॉग फोर पार्ट फोर है, जो कि यहाँ का मूंगलेट चिल्ला बहुत ही फेमस है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं क्या मूंगलेट चिल्ला गाजियाबाद का, जो पूरी लोकेशन वीडियो के एंड में नहीं, हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताने वाले हैं। वीडियो की लोकेशन है मूंगलेट चिल्ला वालों की, गाजियाबाद घंटाघर चोपला मंदिर से पहले सोनू मूंगलेट चिल्ला वाला। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए अब हम आपको दिखाने वाले हैं अमूल बटर में तैरता हुआ क्या मैक्सिकन चिल्ला और मूंगलेट चिल्ला। जी हाँ, यहाँ की खुशबू यहाँ से 100 मीटर दूर दूर तक उड़ती हुई जाती है अमूल बटर के मूंगलेट चिल्ले की। तो आइए कुछ बातें उन भैया से जिनका मूंगलेट चिल्ले की स्टॉल है, तो उनसे बातें करते हैं, पूछते हैं उनका चिल्ला क्यों फेमस है और कब से फेमस है और कितना टाइम हो गया उन्हें यहाँ पर लोगों को सर्व करते हुए। तो आइए चलते हैं वीडियो में। उससे आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को प्रेस, जिससे कि आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए अब हम आपको भैया से जिनके मूंगलेट की शॉप है और जो सालों से यहाँ पे लोगों को सर्व करते हैं अमूल बटर में तैर तो में क्या मूंगलेट चिल्ला और मैक्सिकन चिल्ला। तो आइए पूछते हैं भैया से, भैया आपका क्या नाम है और आप कब से चला रहे हो लोगों को? आप टाइमिंग बताओ। टाइमिंग हमारे 4 बजे से 7 डेज वीक में खुलते हैं आप? आपको भैया खोलते हैं 7 डेज वीक में, 4 से 11 साढ़े 11। तो भैया आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो? ये मैक्सिमम चीला बनाते हैं, मूंगलेट है, स्टफ चीला है, पाव भाजी है। आप ये चीज़ और बताओ लोगों की आप किस चीज़ में सब बनाते हो, रिफाइंड में अमूल बटर? अमूल बटर दे देखिए भैया, अमूल बटर में सर्व करते हैं मैक्सिकन चिल्ला और हर तरह का मूंगलेट पिज्ज़ा, स्टफ भी और विदाउट स्टफ। तो आइए देखते हैं, हम भी स्वाद लेते हैं कि यहाँ के मूंगलेट चिल्ला का और मैक्सिकन पिज्ज़ा का क्या टेस्ट है। तो आइए चलते हैं आगे वीडियो में। ये देखिए जी, मूंगलेट चिल्ला हमारा बन रहा है, तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये डाला भैया ने इसमें इनो, है ना भैया? और ये डला पैन फ्राई भैया, क्या बात है, क्या नज़ारा है। ये स्टफ है क्या? स्टफ नहीं है, ये इनका नॉर्मल मूंगलेट चिल्ला है जिसका प्राइस 70 रुपीज़ है, मात्र 70 रुपये। ये देखिए, और ये लो फ्लेम पे भैया पका रहे हैं इसको, एकदम अच्छे से पकता है जिससे ये देख। और ये पलटा भैया ने, और आप ये देखिए इसका कलर एकदम ब्राउन हो चुका है, तब भैया ने इसको पलटा है अच्छे से पकने के बाद। एक क्या बात, ये इन्होंने पलटा और ये लगाया इसमें कट, जिससे कि अमूल बटर इसमें अंदर तक जा सके। और ये डला जी अमूल बटर इसमें, ये देखो क्या बात है। और ये पलटा, और अब जैसे मैं अमूल बटर के अंदर से फीलिंग हो रही है ना, लाजवाब। ये देखिए दहकता हुआ अमूल बटर, अपना
और ये पलटा, वाह जी वाह। ये देखिए अब दोबारा इसमें अमूल बटर डाला, ये लो, और ये दोबारा पलटा। जब तक अमूल बटर इसके अंदर तक भैया पहुंचा नहीं देंगे तब तक अमूल बटर इसमें डालते रहेंगे। क्या फ्रेग्रेंस आ रही है इसकी, क्या खुशबू है अमूल बटर की। ओहो और ये पलटा, ये देखिए क्या बात है, गजब, एकदम एकदम ब्राउन और एकदम ये लाल हो चुका है। ये भैया कौन सा मसाला डाल रहे हो आप इसमें? ये चाट मसाला है, गुजर के मसाला। ये चाट मसाला डाला भैया ने इसमें, और ये हुआ हमारा बनकर तैयार मूंगलट चिल्ला, और ये आ गया। ये चिल्ला देना खाना। और ये भैया हरी चटनी किस चीज़ की बनाते हो आप? धनिया, धनिया की चटनी है। और ये वाली आमचूर, ये हम। और ये हुआ हमारा मूंगलट चिल्ला तैयार। एकदम परफेक्ट और मज़ेदार। ये देखिए, ये देखिए स्टफिंग एकदम बहुत अच्छे से हुई है अमूल बटर की। देखो हाथों में भी लग रहा है, क्या ज़बरदस्त है। और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही फल्फी और टेस्ट इसका ला जाओ, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाजियाबाद का मूंगलट पिज्जा, मूंगलट चिल्ला, अगर आप भी गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं तो आप भी आइए और टेस्ट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।